पटना की महिलाओं के लिए आई है एक शानदार खबर। पहली बार शहर में ऐसी सुविधा आई है जो महिलाओं की सभी जरूरत को ध्यान रखेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोबाइल पिंक टॉयलेट की। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पिंक टॉयलेट क्या है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और इसे कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पटना नगर निगम ने महिलाओं की सुविधा और स्वच्छता के लिए एक अनोखी पहल की है। उन्होंने कबाड़ की बसों को मॉडिफाई करके पिंक टॉयलेट का रूप दिया है। ये टॉयलेट विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए हैं और केवल महिलाएं ही इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इस पिंक टॉयलेट में महिलाओं के लिए कई खास सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपको खाने पीने की चीजें मिलेंगी, हाथ धोने के लिए बेसिन, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नवजात बच्चों के लिए फीडिंग कराने के लिए विशेष कक्ष बनाया गया है। वेस्टर्न और इंडियन स्टाइल टॉयलेट, दोनों प्रकार के टॉयलेट की व्यवस्था है। सैनिटरी पैड्स, मुफ्त सैनिटरी पैड्स की सुविधा है। देखरेख और सफाई भी है। इन टॉयलेट्स की देखरेख और साफ सफाई की जिम्मेदारी स्वच्छांगिनी टीम की महिलाओं को सौंपी गई है, ताकि सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा सके। यहाँ पर हम लोग हर चीज का सुविधा है। महिलाओं लोग के हम लोग देख रहे हैं, कोई चीज का व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। लेडीज लोग यहाँ सब खुश है। शौचालय से सिर्फ महिलाओं के लिए है। अच्छा, इसमें महिलाओं के लिए क्या क्या व्यवस्था है? बस यही है, महिलाओं के लिए व्यवस्था है कि 2-4 बाथरूम है अंदर में, और बच्चे सोलाने वाला भी है, ताकि किसी को बच्चा नहीं दे अपना, उसमें सीट बेल्ट लगा के रखे अपना बच्चा को, शौच में जाए अपना, अपना हाथ मुंह वॉशिंग जो करना है सो करे। हर चीज के यहाँ व्यवस्था है, साबुन से लेके ये हाथ धोने वाला सब चीज, बाथरूम में सब चीज रखा हुआ है। हम लोग पैड के भी व्यवस्था है, हैंड वॉश भी है, पैड भी है, मतलब सारा व्यवस्था लेडीज का हर चीज का हम लोग दे रहे हैं। अभी फिलहाल में एक लड़की आई है पीरियड में, हम उसको हेल्प किए, तो 2 बाथरूम है, इसमें 4 बाथरूम है, उसमें कैंटीन भी है, खाने पीने का भी व्यवस्था है, कोई चीज बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और आप लोग इसका साफ सफाई का? हाँ, हम लोग साफ सफाई का ध्यान अच्छा से रखते हैं। हम लोग 2 से 10 तक यहाँ रहते हैं ड्यूटी के पास। फिलहाल 2 पिंक टॉयलेट्स का शुभारंभ हो चुका है और 4 और पिंक टॉयलेट्स का निर्माण जारी है। नगर आयुक्त अनिमेश पराशर ने बताया कि सभी अंचलों को एक एक पिंक टॉयलेट मुहैया कराने की योजना है। ये पिंक टॉयलेट्स फिलहाल मरीन ड्राइव पर लगाए गए हैं और आगे चलकर सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले स्थलों पर भी इनकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन टॉयलेट्स को पिंक रंग में रंगा गया है, ताकि महिलाएं इसे आसानी से पहचान सके। पटना में 1 जून को मतदान होने जा रहे हैं। इस दिन मॉडल बूथ पर भी पिंक टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। लोकल 18 के लिए पटना से सचिदानंद की रिपोर्ट।